हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मीनू अरोड़ा। मैं अपने चैनल पे रेगुलरली जो है कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसीज को अपलोड करती रहती हूँ। ऑलरेडी जनवरी में टोटल मैं 9 वैकेंसीज को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपसे उसमें से कोई भी वैकेंसी मिस हुई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी उन वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट पेंडिंग है बहुत सारी वैकेंसीज के लिए, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं टोटल 5 और न्यू वैकेंसीज के बारे में बात करूंगी, जिसमें से एक वैकेंसी 12th पास की है, बाकी सारी कॉमर्स ग्रेजुएट्स की हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वैकेंसी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो आज की जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2021। प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में जो पे स्केल है वो आपका स्टार्टिंग है 62,000 के अप्रॉक्स। यहाँ पे आपका जो पहले बात करते हैं डेट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हमारी हैं 31 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद जो आपका कॉल लेटर आएगा वो आएगा इन द मिड ऑफ द मार्च। आपके एग्जामिनेशन मार्च एंड तक शेड्यूल होंगे और अप्रैल में आपका टेंटेटिव रिजल्ट आएगा इस एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपका एक नॉर्मल पेपर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो इंग्लिश से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन का लिंक जो है शो हो रहा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ऑफिशियल लिंक है। आप इस लिंक को नो डाउन करके जो है सर्च कर सकते हैं इस जॉब के बारे में और अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसी है आज की हमारी मद्रास हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2021। यहाँ पे जो पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी पर्सनल असिस्टेंट टू ऑनरेबल जजेस, पर्सनल असिस्टेंट टू द रजिस्ट्रार एंड पर्सनल क्लर्क टू द डिप्टी रजिस्ट्रार। तो ये तीन पोस्ट हैं। तीनों पोस्टों में जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो एलिजिबिलिटी है हमारी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो दैट मीन्स कॉमर्स ग्रेजुएट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पे साइमल्टेनियसली टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी मांगी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे जो पे स्केल है वो हमारा, पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। पर्सनल असिस्टेंट टू ऑनरेबल जजेस के लिए टोटल वैकेंसीज है हमारी 66, पे लेवल यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 56,100 से 177,500 तक का पे स्केल है। पर्सनल असिस्टेंट टू द रजिस्ट्रार पे लेवल 6 है हमारा, 34,600 से 115,700 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। पर्सनल क्लर्क फॉर द डिप्टी रजिस्ट्रार पे लेवल 10 है यहाँ पे और आपका जो पे स्केल है वो 20,600 से 65,500 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की कि आपको कब तक अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन लिंक जो है अवेलेबल हुआ था हमें 27th ऑफ दिसंबर 2020 को। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 3rd ऑफ फरवरी 2021। तो आपके पास टाइम है 3rd फरवरी 2021 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही अप्लाई करना है। आप किसी और मोड से अप्लाई नहीं कर सकते, स्मार्टफोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी साइट जो है वो लिंक जो है आपके स्मार्टफोन पे वर्क नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आप बाय पोस्ट एप्लीकेशन भेजना चाहे, बाय कुरियर भेजना चाहे या फिर बाय हैंड देना चाहे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सेंड करनी है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड वैकेंसी। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी वैकेंसी नंबर 3rd पे। आज की हमारी 3rd वैकेंसी है ICICI रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है हमारी डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स।
तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लिंक आपको शो हो रहा है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे। बहुत मुश्किल से मुझे भी ये वैकेंसी मिली है। तो फाइनली आपके पास अप्लाई नाउ का इसी पेज पे जो है लिंक शो होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिंक को ऑफिशियल लिंक है, यहीं पे जाके आपको सारी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख जाएंगी। आपको अप्लाई नाउ पे जाके रजिस्टर करना है और डायरेक्टली आपका कॉल आएगा। तो ये थी हमारी आज की थर्ड वैकेंसी ICICI रिक्रूटमेंट। चलिए प्रोसीड करते हैं वैकेंसी नंबर फोर्थ। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट 2021। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर 39 लोअर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे ये दो वैकेंसीज हैं जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए हैं या फिर आप कहें कि 12th पास के लिए हैं। तो 12th की यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट है आपकी February 15, 2021 अप्लाई की। और स्टेनोग्राफर के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो 12th प्लस साथ में कंप्यूटर की स्किल्स मांगी गई हैं आपसे। यहाँ पे लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। देन नेक्स्ट है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क में क्लास 12th प्लस साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। एज लिमिट है यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स और यहाँ पे जो सैलरी है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 19,900 से 63,200 तक का पे स्केल है। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको इस लिंक पे जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट -2021.pdf जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 15 February 2021। चलिए प्रोसीड करते हैं आज की लास्ट वैकेंसी की तरफ। लास्ट वैकेंसी है हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो पोस्ट है हमारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में टोटल 4 पोस्ट हैं और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में टोटल 1 ही पोस्ट है। दोनों में एलिजिबिलिटी आपकी 30 इयर्स की मांगी गई है, यानी मैक्सिमम एज आपकी जो है 30 इयर्स होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है हमारा 9300 से 34,800, पे बैंड 2 है प्लस ग्रेड पे है 4200 का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो पे बैंड है वो है हमारा 9300 से 34,800 तक, ग्रेड पे है आपका 4200। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है सबमिट करने की 1 February 2021। तो ये थी हमारी आज की लास्ट वैकेंसी। ऑफिशियल लिंक डाउनलोड करने के लिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक से। बहुत जल्द आऊंगी अगेन लेटेस्ट वैकेंसीज को लेके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करिएगा कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच।